ऐतिहासिक दिन है हमारे झारखंड में। इतनी जल्दी कभी भी किसी इस तरह से फ्लाईओवर का शिलान्यास उद्घाटन नहीं हुआ था, दोनों इतनी तेज गति से हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में वो एक दर्जन फ्लाईओवर देंगे ताकि जाम से निजात मिले, लोगों की समय की बचत हो। लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं राजधानी वासियों के लिए कांटा टोली फ्लाईओवर का सौगात मिल गया है, उद्घाटन हो गया है। अब आम जन कांटा टोली फ्लाईओवर पर जो है अपनी गाड़ियां दौड़ा पाएंगे। हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ मांझी हैं। मैडम, लंबे समय का इंतजार जो है वो अब खत्म हो चुका है। कांटा टोली फ्लाईओवर सुनने में तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि बन गया फ्लाईओवर। देखिए, ये एक ऐतिहासिक दिन है हमारे झारखंड में। इतनी जल्दी कभी भी किसी इस तरह से फ्लाईओवर का शिलान्यास उद्घाटन नहीं हुआ था, दोनों इतनी तेज गति से हुई कि सारे लोग बहुत खुश हैं। क्योंकि देखिए, रांची शहर ये राजधानी भी है और पूरे देश भर के लोग यहाँ आते हैं। इस स्टेट की इमेज की भी बात होती है, लेकिन जाम इतना लगता था पहले कि लोग मतलब रेंगते रहते थे। ये फ्लाईओवर, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में वो एक दर्जन फ्लाईओवर देंगे ताकि जाम से निजात मिले, लोगों की समय की बचत हो। क्योंकि कुछ नेता बोल रहे हैं मैम कि शिलान्यास तो रघुवर जी के दिन में हुआ था ये पुल, आज फीता काट दिए सिर्फ। देखिए, ऐसा नहीं है, वो शिलान्यास के समय में तो सिर्फ उसकी परिकल्पना होती है, मेन तो उसको बनाना होता है, कितनी तेजी से वो बना रहे हैं और क्या क्वालिटी देते हैं। तो इसलिए जो सरकार रहती है वो उसको कितना तेज करेगी, तो अभी इन्होंने इतनी कम समय में इसे कर लिया, क्योंकि कोविड में ही तो पूरा टाइम चला गया था, 2.5 साल का समय। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। जनता साल मैडम हो गया है राज को अलग हुए, राजधानी में ये पुल कब का बन चुका होता या फिर बन गया होना चाहिए, क्यों लगा आपको, क्या लगता है देर क्यों हुई इतनी? देखिए, अभी हमारे 24 साल ये राज्य बना है, उसमें 17-18 साल तो भाजपा का कार्यकाल था, कहाँ काम हुआ, जनप्रतिनिधि भी भाजपा के थे, डबल इंजन की सरकार रही है कई बार। उसके बाद यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चूंकि शहरी इलाका है तो बीजेपी के विधायक रहे 30 साल तक, उसके बाद सांसद यहाँ 4-5 सांसद भाजपा के रहे, मेयर डिप्टी मेयर भाजपा के रहे, 53 पार्षदों में से 28 पार्षद भी उनके रहे। इतना कुछ रहने के बाद भी ये रांची शहर की जो हालत है, और अब हम लोग जिस तरह से उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं। मैडम, और भी फ्लाईओवर अभी निर्माण कार्य चल रहा है और राजधानी को बदलने की आप लोगों की कोशिश है। कहते हैं कि दिल्ली मॉडल पर काम किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या संकल्प लेकर के जो है राजधानी के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? इसको एक रोल मॉडल बनाना है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो सपना है अपने पूरे राज्य को देश का नंबर वन राज्य बनाना, और उसकी शुरुआत रांची से भी कर रहे हैं। पहले राजधानी को चमकाएंगे और उसके बाद पूरे राज्य को, ऐसे तो चमका ही रहे हैं इतनी योजनाओं के माध्यम से। और अभी आपने देखा होगा कि कितने ब्रिजेस, कितने पुल, पुलिया, सड़कें, सब चीज़ वहाँ पे बन रहे हैं हर इलाके में। राजधानी की बात ही सिर्फ नहीं है, अभी आपने देखा कि यहाँ दिखाया भी गया कि किस किस का शिलान्यास हुआ है, किसी किसे पूरा करना है और कौन पूरा हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये एक पूरे देश के लिए मिसाल होगा रांची, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत सुंदर है, लोग आना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो जाम के कारण। लेकिन अब ट्रांसपोर्ट नगर भी कल उद्घाटन हुआ, उसमें जितने व्यापारी हैं उनको भी सहूलियत होगी कि बड़े ट्रक और इन चीज़ों का जो कुछ करना है वो बाहर बाहर हो जाएगा, शहर के अंदर नहीं, उसके लिए जाम नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में रांची बहुत खूबसूरत बनने वाला है, और आधा तो बन ही चुका है। जी, थैंक यू। www.thefollowup.in